शेमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। मेरे चेहरे का क्या हाल बना दिया इन लोगों ने। अपनी ये शादी में मुंह छुपाना पड़ रहा है मुझे। कहीं कुछ नकली तो नहीं मिला दिया था शरबत में? मुझे कैसे टकाटक चल के मंडप पहुंच गई है। विधि भी शुरू होने वाली है और कितना आराम से बैठी हुई है। नहीं नहीं भाभी, हमने शुद्ध सही वाली मिलाई थी, कोई गड़बड़ नहीं की हमने। अरे पर कोई असर क्यों नहीं दिख रहा है? सर्व मंगल मंगल शिव सर्वार्थ के परंडे प्रेम के गौरी नारायण नमस्ते। पेट में क्या हो रहा है? पंडित जी एक मिनट, मैं आती हूँ। अरे पर आप ऐसे बीच में मंडप छोड़ के कैसे जा सकती हैं? अरे तुमको नहीं पता, उसे कोई जरूरी काम निपटाना होगा। बेटा तुम जाओ हाँ और अपना काम निपटा दो। तुम ना पहले अपना पे, हमारा मतलब है कि मन खाली करके उसके बाद यहाँ बैठो। हाँ। वरुण जी, हमें लगता है दीदों ने रोशनी के साथ कुछ तो गड़बड़ की है, वो यहाँ नहीं है। शक तो मुझे भी है कीर्ति, जब तक अभय की रोशनी से शादी नहीं हो जाती तब तक मेरे मन की आपको शांति नहीं मिलेगी। वादा करते हैं आपसे वरुण जी कि दीदू और अभय से हम बदला लेकर रहेंगे, चैन से जीने नहीं देंगे उन्हें। चलिए पंडित जी, दुल्हन वापस आ गई है, आप शुरू करिए। हाँ। हाथ जोड़ के भगवान का ध्यान कीजिए। ओम गंगा सिंधु सरस्वती च यमुना गोदावरी नर्मदा कावेरी। एक मिनट पंडित जी, हमें दुल्हन का चेहरा देखना है। क्यों? क्योंकि हमें यकीन है कि इस घूंघट के नीचे जो है ना वो रोशनी नहीं, हमारी बहन है। दीदी कैसी बात कर रही हैं आप? श्रद्धा यहाँ क्यों बैठेगी? तुम्हारे सवाल का जवाब ना इस घूंघट में बैठी दुल्हन देगी। घूंघट में क्यों? वो सब बातें बाद में करेंगे, पहले शादी हो जाने दो। जाओ। हाँ सब ठीक है।
हे भगवान, आज तो हमें तो लगा कि हम पकड़े गए, पर ये रोशनियां कैसे आ गई? आना तो श्रद्धा को था ना। हो गई तसल्ली भाभी जी, क्या मिला आपकी शादी बीच में रोक के? अरे इसे तो बिना बात के तमाशा करने की आदत है। अरे तुम अपनी दीदू के पीछे इतना पड़ गई हो कीर्ति, कि तुम्हें हर जगह अब अपनी दीदू ही नजर आती है। हमें बस लगा कि हमारी बहन हो सकती है। लगा मतलब श्रद्धा यहाँ नहीं है, इसका मतलब ये हुआ कि वो दुल्हन बन के बैठ गई है। अरे अपनी बड़ी बहन के बारे में कुछ तो अच्छा बोलो। और जितना मैं श्रद्धा को जान पाया हूँ ना, वो कभी किसी को धोखा नहीं देगी, ना रिश्तों में और ना ही दोस्ती में। धोखा तो मेरे साथ हुआ है और सब उस श्रद्धा की वजह से। बस एक बार अभय से शादी हो जाए मेरी, फिर बताती हूँ श्रद्धा को। दे भाई, जो होना था वो हो गया। इन सब बातों के लिए ये सही समय नहीं है। आप लोगों की बहस में ना शादी का मुहूर्त निकल जाएगा। पंडित जी, शादी की रस्म दोबारा शुरू कीजिए। हाँ माफ करिएगा पंडित जी, शुरू करिए। भाभी, श्रद्धा का क्या इरादा है ये हमें समझ ही नहीं आ रहा कि वो क्या करना चाहती है। ओम श्री मत्पंग। पंडित जी एक मिनट, मैं अभी आती हूँ। अब क्या हो गया? वरुण जी, हमें कुछ ठीक नहीं लग रहा। हमें लगता है कि दीदू ना कुछ बहुत बड़ी चाल चल रही है। मैं भी तब से यही सोच रहा हूँ कि आखिर श्रद्धा है का। मुझे माफ कर दीजिए अभय, मैं इस तरह से आपको धोखा नहीं देना चाहती थी। आपका दिल जीतना चाहती थी मैं। अगर आप, अब और कोई रास्ता नहीं रह गया है मेरे पास। मुझे किसी भी हालत में आपके साथ मंडप में बैठना ही होगा। दीदू ही अभय के साथ मंडप में बैठी हैं, हमें पूरा यकीन है। रुकिए। अब क्या हुआ? हमें ना फिर से दुल्हन का चेहरा देखना है, क्योंकि हमें पूरा यकीन है कि ये रोशनी नहीं हमारी बहन है। अरे तुम क्या तमाशा बना रही हो हमारे बेटे की शादी का? भाभी, तमाशा बनाना इसकी पुरानी आदत है, ये और कुछ नहीं कर सकती। तुमने खुद अपनी आंखों से देखा था ना कि ये रोशनी है, तो फिर शक काहे कर रही हो? बहुत हो गया, पंडित जी को बहुत बार टोक दिया गया है। पर इस बार हम पूरे यकीन के साथ कह रहे हैं कि ये रोशनी नहीं है, ये हमारी बहन ही है। कीर्ति, मैं ही हूँ। बताओ, ये तो फिर से यही निकली। नहीं, दवा का असर अब तक हुआ क्यों नहीं है? ऊपर से ये कीर्ति देर पे देर करी जा रही है। पंडित जी, ठीक है, ध्यान करो भगवान का। ओम ब्रह्मा। पंडित जी एक मिनट, मैं अभी आती हूँ। अरे इसके आने जाने में शादी हो जाएगी। भाभी, श्रद्धा ने कोई लंबा खेल सोचा होगा। वैसे भी उसने आज से पहले अपनी किसी भी सौतन को दिखने दिया है भला? भरोसा कीजिए उसमें। अरे पर उसे हमें तो बताना चाहिए कि उसके दिमाग में क्या चल रहा है। पता नहीं कौन है। नहीं, जितना हम दोनों एक दूसरे को जानते हैं, आपको पता था हम घूंघट उठाकर देखेंगे, इसलिए पहली दो बार आपने रोशनी को जाने दिया, पर इस बार आप नहीं बचेंगे हमसे।
बस भाभी जी बहुत हो गया, आप मेरी होने वाली बीवी का और तमाशा नहीं बना सकती सबके सामने। किस्मत से टकराती उलझी लकीरों को सुलझाती श्रद्धा की कहानी देखने के लिए अभी अपने टीवी पर लगाइए शेमारू उमंग।